हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स और जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मेरे अनुसार अगर क्वेश्चन आप मैं बताऊँ वो करेंगे आप तो 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी वीडियो लगी। व्हाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज ऑफ द हिस्ट्री, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम। इसमें देखो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। द किंग ऑफ विक्रमादित्य बाज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ द परफेक्ट जजमेंट, मतलब फॉर हिज परफेक्ट जजमेंट, अपने पूर्ण न्याय के लिए उन्हें सबसे महान जज माना जाता था विक्रमादित्य को। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर हिम, गिल्टी उनके सामने कांपने लगते थे, अपराधी उनके सामने कांपने लगते थे। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द किंग न्यू, क्योंकि राजा जान लेते थे दैट कि दे कुड नॉट कवर देयर गिल्ट फ्रॉम हिज आइज, क्योंकि राजा जान लेते थे कि वे लोग अर्थात अपराधी लोग उनकी आंखों से अपना अपराध छिपा नहीं सकते, इसलिए वे उनके सामने कांपने लगते थे। ऑटोमेटिक उनके अंदर ये शक्ति थी। वाई व्हाट वाज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की विशेष गुण क्या था, या ऐसे आ सकता है वाई इज द किंग विक्रमादित्य फेमस इन दिस इवेंट टुडे, विक्रमादित्य आज भी इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, विक्रमादित्य वाज वेरी जस्ट लविंग किंग, विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। ही गेव परफेक्ट जजमेंट टू ऑल, वह सबको पूर्ण न्याय देते थे, है ना। जो कोई केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, तो उनके पास जो भी आते थे उन्हें सबको कंप्लीट न्याय देते थे। व्हेन द गिल्टी केम बिफोर हिम, जब अपराधी उनके सामने आते थे दे बिगेन टू ट्रेम्बल बिटरली माने बुरी तरह से, तो वे उनके सामने बुरी तरह से कांपने लगते थे। ऑल दी थिंग्स, ये सारी चीज़ें सो दिखाती हैं दैट दीज वर हिज स्पेशल क्वालिटी, ये उनकी विशेष ही गुण था। मतलब ये केवल चीज़ दिखाती हैं ये उनके अंदर एक विशेष गुण था। और देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर, पास्चर से उन्हें मतलब पास्चर्स में चरागाह में क्या मिल गया था लड़कों को, विलेज बॉय थे उन्हें। When the boys of the village were playing near the grassy land, घसियारा स्थान था, घास का मैदान था, उसके पास में जब लड़के खेल रहे थे तो they found a green mountain, तो उन्होंने एक हरा भरा टीला दिखाई दिया, है ना। It looked very much like a जज सीट, तो ये ऐसा लगता था मानो वह जज की सीट रही होगी, विक्रमादित्य की सीट रही होगी, है ना। ये चीज थी। आगे देखें बेटा, What change did the village boy notice in the boy who sat on the mound, मतलब कौन से परिवर्तन देखते थे उस लड़के में, लड़के जो के उस माउंड पर बैठ जाया करता था, लड़का जो उनका मित्र था वो जब सीट पर बैठ जाता था तो वह क्या परिवर्तन देखते थे। द अदर बॉयज फाउंड दैट द बॉय बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, जब लड़का दूसरे लड़के पाते थे, जब वो लड़का जो उनका मित्र होता था जब वह सीट पर बैठ जाता था, वहन ही सेट ऑन द माउंड, जब वह सीट पर बैठ जाता था, टीले पर बैठ जाता था, तो वह गंभीर और बहुत ही एकदम स्वभाव में अपने परिवर्तन ले आता, ग्रेव हो जाता था, सीरियस हो जाता था, बहुत ही गंभीर हो जाता था। हिज टॉकिंग मैनर, उसका जो बात करने का तरीका था और बिहेवियर और व्यवहार था, बिकेम वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही प्रभावी हो जाता था, मतलब एक राजा की जैसी वो स्थिति बना लेता था। ऑटोमेटिक होती थी, ऐसा नहीं वो जानबूझ के बनाता हो। Why did all praise the king of Ujjain, सभी लोग क्यों आज भी प्रशंसा करते हैं, अर्थात क्यों सभी उज्जैन के राजा की प्रशंसा करते थे। All praised विक्रमादित्य, सभी लोग विक्रमादित्य की तारीफ करते थे, बिकॉज, क्योंकि ही वाज वेरी काइंड फॉर हिज सब्जेक्ट्स, क्यों है अपने प्रजा के लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु था। ही वाज टोटली इम्पार्शियल टू ऑल, इम्पार्शियल ना निष्पक्ष, है ना, वह इम्पार्शियल, एक आपने दुष्टर वाले चैप्टर में इम्पार्शियल वर्ड पढ़ा है, वह भी दुष्टर भी सबके लिए निष्पक्ष थे, ऐसे ही राजा विक्रमादित्य भी सबके लिए निष्पक्ष थे, पक्षपात नहीं करते थे। ऑल वर इक्वल इन हिज आई, सभी उनकी आंखों में इक्वल माने समान थे, है ना। ही वाज जस्ट लविंग किंग, वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, न्याय को प्यार करने वाले राजा थे, उन्हें न्याय बहुत प्यारा था। आगे देखें बेटा, अगला क्वेश्चन है, Why did the जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, जमीन से राजा की वो सीट थी वो सदैव क्यों गायब हो गई थी।
आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रम की मौत के बाद ए न्यू किंग ऑफ उज्जैन अटेम्प्टेड टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। तो क्या हुआ, एक नया राजा हुआ उज्जैन का, उसने जजमेंट सीट पर बैठने का कई बार प्रयास किया, बट परंतु द एंजल फाउंड हिम अनवर्दी अगेन एंड अगेन, लेकिन एंजल जो देवदूत थे उन्होंने उसे घोषित कर दिया, क्या कह दिया, कि भाई तुम बार बार तुम के अयोग्य हो, अर्थात अपने को प्योरीफाई करो, आप शुद्ध नहीं हो जैसे विक्रमादित्य थे। सो इसलिए द एंजल्स टुक इट विद हिम, इसलिए वो एंजल्स जो थे अर्थात जो देवदूत थे, देवगण थे, वो इस पटिया को जो विक्रमादित्य की सीट थी वो को ले गए, अपने साथ ले गए। इन दिस वे, इस प्रकार से इट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इसलिए सदैव के लिए पृथ्वी से यह सीट जो देवलोक के लिए गायब हो गई, अर्थात देवलोक में सदैव के लिए चली गई। आगे देखें बेटा, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड द फॉस्टर्स ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ। उसकी मौत के बाद, विक्रमादित्य की मौत के बाद उनके पैलेस, महल और उनके किले को क्या हो गया, अर्थात कैसे हो गए। व्हेन द विक्रमादित्य डाइड, जब विक्रमादित्य मर गए, हिज पैलेस एंड फॉस्टर्स वर रुइंड, वो खंडर बन गई, क्या बन गए थे, रुइन माने खंडर बन जाना, नष्ट हो जाना। इट लुक्ड हीप, यह एक ढेर लगते थे, इट वाज कवर्ड विद डस्ट, यह धूल से, ग्रास से और ट्री से, अर्थात ये उनका जो सीट थी विक्रमादित्य की, वह वहाँ धूल हो अर्थात वो मिट्टी बन गई, और घास उगाई और वहाँ पेड़ पौधे उगाए थे। इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल टू नो, यह जानना बहुत मुश्किल था, दैट इट वुड हैव, बेटा यहाँ पर वुड है, ठीक है, ये वुड सही से आप पढ़ेंगे, इट वुड हैव, इट वुड हैव, मतलब ये बहुत जानना मुश्किल था कि इट वुड हैव बीन द पैलेस इन द फोर्ट्रेस ऑफ द किंग, ये बहुत मुश्किल जानना बहुत मुश्किल था कि ये किसी समय राजा का महल और किला रह चुका होगा, ये बहुत मुश्किल से ही पहचानना होता था। आज मैंने इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है वो आपको बता दिए। इसके बाद अब आते हैं हम मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स पर, देखिए। तो पहला है जो क्वेश्चन देखें ट्रू फॉल्स में, देखिए, बिकम द लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, मतलब जस्ट न्याय को और क्या बद्धता को पसंद करते थे, ट्रू। बिकम द तेज फेमस फॉर इज जस्टिस, बिल्कुल सही है, ट्रू है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में देखो आपके सामने डेट पड़ी हुई है, मॉडल से बोल रहा हूँ मैं। विक्रम संबत ओब्स इट्स ऑरिजन टू विक्रमादित्य, बिल्कुल सही है, ट्रू है। आगे देखो, द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट सेट ऑन द थ्रोन ऑन द किंग ऑफ विक्रमादित्य, फॉल्स, गलत नहीं बैठ पाया था, है ना। द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड इवन टुडे इन उज्जैन, अब कहाँ है, वो तो खंडर हो गया है ना, वो तो सदैव के लिए सीट जो थी सदैव के लिए चली गई, फॉल्स है। द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे, अच्छा ये हो गया। द किंग विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग, अरे भाई करते थे, फॉल्स है। व्हेन द बॉय जंप डाउन फ्रॉम ए सीट, जब लड़का अपनी सीट से उतर जाता था, है ना, विक्रमादित्य सीट से उतर जाता था, तो ही वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, नहीं नहीं दूसरे लोगों से भिन्न नहीं होता था, फिर वैसा ही हो जाता था, फॉल्स है ये ना। विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट, परीक्षण करते थे क्या वो, है ना, तो गलत है ये। विक्रमादित्य बाज नेवर डेसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाते थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये, है ना। द फेमस जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एज डग आउट मंड, है ना, माउंड बाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ 24 एंजल्स, ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। आगे देखें, आगे और देखें बेटा, अगला है, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट पीपुल, निर्दोष को पसंद दंड देते थे क्या, फॉल्स है। आगे और देखें, विक्रमादित्य किंग विक्रमादित्य इज रिमेंबर्ड फॉर हिज लव जस्टिस एंड लर्निंग, इसलिए जस्टिस लर्निंग के लिए उन्हें प्यार किया जाता था, है ना, सब लोग उन्हें प्यार करते थे, ये बिल्कुल बात सही है, यह याद करते थे किसके लिए, ट्रू है ये। इट इज सैड विक्रमादित्य इज नॉट ए ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, महान राजा नहीं थे, गलत बात नहीं है, ये फॉल्स है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाज ए स्लेव ऑफ वाइट मार्बल, ये जजमेंट सीट जो थी वाइट मार्बल थी, नहीं ब्लैक की थी, है ना। किंग विक्रमादित्य बाज द किंग ऑफ उज्जैन, ट्रू है, उज्जैन के राजा थे, सही है। द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टूड इन दिल्ली, अरे भाई दिल्ली कहाँ है, है ना, तो फॉल्स है कि नहीं, कहाँ है, उज्जैन में। द नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, कोई नहीं जानता, फॉल्स है, ये तो आप जानते हैं ना। द स्टोन एंजल्स अलॉट द किंग टू सिट ऑन द, है ना, जजमेंट सीट, क्या स्टोन एंजल्स ने अलाउ किया था राजा को बैठने के लिए, गलत नहीं किया था। दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य, गलत, उज्जैन थी, है ना। विक्रमादित्य लव्ड जस्ट इनजस्टिस, अन्याय को प्रेम करते थे क्या, फॉल्स, गलत। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 एंजल्स, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। अब देखें मल्टीपल चॉइस है, विक्रमादित्य बाज नेवर डेसिप्ड बिकॉज, देखो कौन सा सही हुआ, विचार हैं, ही वाज द किंग, ही वुड सी स्ट्रेट इन टू द गिल्ट ऑफ द देयर पर्सन, ही वाज मैजिशियन, ही वाज, तो कौन सा, ये वाला सही है आपका, बी वाला, ठीक है ना।
विक्रम संवत इज ओट ओरिजिन क्या है, विक्रम संवत है ना, विक्रमादित्य के ऊपर, ठीक है ना। आगे और देखें, अगला है द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य ही वाज, क्यों क्यों कांपने लगते थे गिल्टी उसके सामने, ही वाज इंटेलिजेंट इनफ टू नो देयर गिल्ट, है ना। देखते जाना, द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंज्ड बिकॉज ही गॉट स्पिरिट ऑफ द नॉलेज एंड जस्टिस, इसलिए, ठीक है ना, ये सी वाला सही है इसमें। आगे देखें, व्हेन द माउंट वाज डग डीप द किंग फाउंड क्या पाया, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आगे देखें, द लास्ट एंजल्स टुक द जजमेंट सीट स्काई के लिए, है ना, ये है ना, उसमें स्काई को ले गया था। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ काई की, स्टोन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है बच्चों ये वाला, जे और ये बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें तो आपको इतने दिखाई नहीं दे रहे लेकिन बहुत आता है, ये तो हद हो जाती है इसकी तो। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन उज्जैन, द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हिज हर्ट वाज नॉट प्योर एज ही एज ए लिट ऑफ डेट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये वाला आपका बी सही है, ठीक है। आगे देखें, रिजल्ट आगे है, ही वाज एफ्रेड ऑफ द अनवर्दी कवर्ड, जी सबर ही बता रहे हैं ये, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, आगे नौवां दसवां है, दसवां क्वेश्चन का उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ क्वेश्चन ही नहीं दिया उन्होंने। ही वाज एफ्रेड ऑफ द कवर्ड बॉय, एवरी थिंग ही वाज पनिश्ड असाइड बाई द एंजल्स, ही थॉट हिमसेल्फ टू बी अनवर्दी सिट ऑन, ही वॉन्टेड टू बी अ किंग जस्टिस, एवरी टाइम ही वाज पुश्ड असाइड बाई द एंजल्स, हर बार उसे पुष्ट कर दिया जाता था जब भी बैठना चाहता था। ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, या ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन नौमा है, नौमा के या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, तो इसमें ये वाला सही है, ठीक है ना। और इसमें ऐसे आएगा तो ये वाला सही है, ठीक है, ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।